इंद्री के राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में 1 अप्रैल से शिक्षा विभाग ने सराहनीय कदम उठाया है। यहां बच्चों को स्वस्थ रखने के लिए दूध पिलाया जा रहा है। सरकार ने स्कूली बच्चों को कुपोषण से बचाने के लिए स्कूलों में बच्चों को दूध पिलाना शुरू किया है। बच्चे स्कूल में दूध मिलने से काफी खुश हैं। ये हमको 1 अप्रैल से मिल रहा है, ये हमारे शरीर के लिए स्वास्थ्य है। हमें ये दूध कभी घर नहीं मिलता है, तो यहाँ पर मिल जाता है। स्कूली बच्चों को दिया जाने वाला दूध फ्लेवर युक्त है, जिसे बच्चे मजे से पी रहे हैं। अच्छा पौष्टिक दूध मिल रहा है, फ्लेवर्ड है, सुगंधित दूध है। बच्चे इसको खुश होकर पीते हैं। बच्चों की जो कमियां हैं वो इस दूध से पूरी हो जाएंगी, क्योंकि दूध को एक संपूर्ण आहार भी माना गया है। कक्षा 6 से 8वीं तक के बच्चों को मिड डे मील के साथ सप्ताह में 3 दिन दूध दिया जा रहा है। स्कूलों में दूध मिलने से बच्चों की उपस्थिति भी बढ़ गई है और बच्चे भी इसको पीने में बहुत रुचि दिखा रहे हैं, इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। और ये लगा हमें कि इस बार जब से पता लगा है बच्चों को कि स्कूलों में दूध मिलना शुरू है, तो संख्या भी कुछ ज्यादा आने लगी है एकदम बच्चों की। हमारे देश में बहुत बच्चे कुपोषण का शिकार हैं। स्कूलों में दूध मिलने से कुपोषित बच्चों की संख्या में कमी आएगी। बच्चों को खाने से 3 घंटे पहले दूध दिया जाता है, ताकि दूध हजम हो सके। करनाल से मेनपाल के साथ टीम फोकस हरियाणा।